बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर अपनी उम्र बढ़ानी है तो ठंडी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करें और गर्म ग़िज़ाएँ बहुत कम इस्तेमाल करें। हर खाने के ऊपर पिसी हुई अदरक शामिल कर लेने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। कच्ची गोभी के पत्ते चबा लेने से शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। जो रोज़ाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले, इसके बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। ज़्यादा पानी इस्तेमाल करने से अकल बढ़ती है और गुस्सा कम होता है। सांस की बीमारी से बचने के लिए खीरा रोज़ाना खाने का मामूल बनाएं। जिन औरतों की जल्द रूखी सी हो, ऐसी औरतें नाशपाती रोज़ाना खाया करें। अगर वहम की बीमारी लग जाए तो घर में ज़्यादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें। पाँव के दर्द से निजात के लिए पाँव के अंगूठे पर सरसों के तेल से मालिश किया करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। सोते वक्त चेहरे पर मूंगफली का तेल लगाओ, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। सुबह का नाश्ता करने के बाद एक इलायची का दाना चख लिया करो, बूढ़े लोगों की तरह सांस फूलने का मसला नहीं होगा। अमरूद खाने से डिप्रेशन भाग जाएगा। जिस घर में बिल्ली बच्चे पैदा कर दे, ऐसा घर रिस्क से मालामाल हो जाता है और रिस्क की तंगी नहीं आती। एलोवेरा खाने से घुटनों और जोड़ों के दर्द से निजात मिलेगी। मैदे को हमेशा फिट रखना चाहते हैं तो चक्की वाले आटे में बाजरा, काले चने और जौ का आटा मिक्स करके खाया करो। ज़िंदगी भर मैदा फिट रहेगा और तादेर जवानी कायम रहेगी। शुगर वाले मरीज़ों के लिए बेहतरीन है। दिमाग की थकावट की सूरत में मीठे आलू उबालकर खाने से दिमाग चुस्त होगा। रोज़ाना अदरक वाला पानी पीने से ज़िंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होगा। खाना जल्दी हज़म ना होता हो या पेट की बीमारी हो तो खाने के बाद सिर्फ एक चुटकी सौंफ ले लिया करें। जिन बच्चों की नज़र कमज़ोर हो जाए, इनको सौंफ रोज़ाना सुंघाई जाए। जर्मनी के अंदर बच्चों को दवाई वगैरह नहीं दी जाती बल्कि सौंफ खिलाई जाती है। खाने के अंदर अदरक, हल्दी और काली मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा किया करें। जो पाँव की रोज़ाना मालिश करके सोए, ऐसा इंसान बहुत कम बीमार होता है। कैंसर के मरीज़ के लिए केला फ़ायदेमंद है। हल्के रंग का लिबास पहनने से जल्द खूबसूरत और नरम हो जाती है। गैर ज़रूरी बालों पर फिटकरी की मालिश करने से फ़र्क पड़ता है। जिनको कानों के दर्द की शिकायत रहती हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा यकती इस्तेमाल करें। जिन लोगों का बार बार दिल ख़राब होता हो या उल्टी आती हो, इलायची चबाते रहें। आयतुल कुर्सी शरीफ की 40 बार तिलावत मौलिज की दुआ की मोहताज ही ख़त्म कर देती है। दही के इस्तेमाल से दिल मजबूत होता है और मैदा ताकतवर हो जाता है। बदन में कमज़ोरी हो जाए तो लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी। अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धो लें, खर्राटे आना बंद हो जाएंगे। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर इस पानी से सर को धोएं, धो डालें, खुश्की ख़त्म हो जाएगी। दालचीनी और शहद को इस्तेमाल करके चेहरे पर लगाएँ, इससे बेहतरीन कोई मास्क नहीं। नहाते वक्त सर पर एलोवेरा वगैरह लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे।
नापाकी की हालत में घर में खाना बनाने से घर में गुर्बत आती है। थोड़ी देर अपने कानों में उंगली डाल के रखने से दिमाग तरोताज़ा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता खाना खाने से इंसान का वज़न कम होता है और बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। नमाज फजर का सजदा तमाम सजदों से ज़्यादा पुरसकून होता है। सूरह यासीन कब्र के अजाब से बचाती है। सूरह मुल्क कब्र में रोशनी करती है। आटा गूंथते वक्त दुरूद शरीफ का वर्द करो और रोटियां बनाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारे रिस्क में कभी कमी नहीं आएगी और रिस्क में अल्लाह इजाफा होता चला जाएगा। मूली के रस में नमक शामिल करके 2 छटाक मकदार के अंदर मरीज़ को पिला दो। बढ़ी हुई तिल्ली में वाज़ा फ़र्क होगा। ज़िंदगी के अंदर इंसानी जल्द ख़ुद को तकरीबन 800 बार मुकम्मल तौर पर तब्दील करती है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज़ का शिकार हैं, इनके लिए अनार का जूस बहुत मुफीद है। अपनी नज़र को हमेशा तेज़ रखना चाहते हैं तो रात के वक्त आईब्रोज पर खालिस सरसों का तेल लगाओ, नज़र कमज़ोर नहीं होगी। मेथी दाने का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद समझा जाता है। पानी में बेसन घोलकर चेहरे पर लगाएं, जब यह खुश्क हो जाए तो हाथों से खुरच कर निकाल लें, गैर ज़रूरी बाल जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। सर पर कंघा करने से बलगम खारिज होती है। दिन में 7 गिलास पानी पीने से बहुत फ़ायदा होता है, लाजमी पिया करें। ये दिन भर में 7 गिलास पानी हर इंसान को पीने चाहिए। आंखें खूबसूरत करनी है तो 14वीं का चांद देखा करो। अदरक के पानी से हाथ धोने से हाथ बिल्कुल साफ हो जाते हैं। कच्चा बेर खाने खांसी पैदा करता है, हमेशा पक्का बेर खाया करो। रोज़ाना 1 सेब खाओ, दिमाग तेज़ हो जाएगा। शाम के वक्त मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये सर दर्द की वजह भी बनता है। चने की दाल के पानी से 6 दिन तक मुंह धोएं, चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी।